दिनांक 30/11/2019 को पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से राजधानी लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब में क्षेत्राधिकारी कार्यालय और क्षेत्राधिकारी के आवास बनाने की मांग की है, क्योंकि क्षेत्र के ग्रामीण जो सैकड़ों रुपए खर्च करके एक अपने छोटे से कार्य के लिए लखनऊ आना जाना पड़ता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की घोषणा के बाद भी आज तक बख्शी तालाब क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय नहीं बन सका है, जिससे ग्रामीण अंचल से आए हुए बहुत से ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कई बार घोषणा की कि तहसील बख्शी तालाब के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी का कार्यालय नहीं है, और जो छोटे से छोटे काम के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता लखनऊ एसएसपी कार्यालय में जो क्षेत्राधिकारी बख्शी तालाब का कार्यालय है वहां पर जाकर के अपना काम कराते हैं। पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन इससे पहले भी मांग कर चुका है कि बख्शी तालाब तहसील के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी बख्शी का तालाब कार्यालय बने, जिससे क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। और 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तहसील और क्षेत्राधिकारी कार्यालय बनाने की घोषणा की थी, उसके बाद से आज तक क्षेत्र के अंदर न तो क्षेत्राधिकारी कार्यालय बन पाया है, न क्षेत्राधिकारी महोदय के रहने के लिए आवास। तो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से क्षेत्र की जनता की तरफ से पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन यह मांग करता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द से जल्द तहसील बख्शी तालाब क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी सीओ ऑफिस व सीओ के रहने के लिए आवास के लिए धन आवंटन करें, और जल्द से जल्द सीओ ऑफिस और सीओ आवास बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार करे, जिससे क्षेत्रवासियों को लखनऊ आने जाने का जो सैकड़ों रुपया रोज खर्च करके छोटे से छोटे काम के लिए जाते हैं वो ना जाएं, और क्षेत्र के अंदर तभी संभव हो सकेगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कम से कम इतना ये जरूर हो जाएगा कि क्षेत्र के जो लोग इधर उधर किराए भाड़े में पैसा खर्च करते हैं, और जब क्षेत्राधिकारी का कार्यालय बख्शी तालाब हो जाएगा तो उस कार्यालय से फिर क्षेत्र के आवाम को क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब से पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन यह मांग करता है कि राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर तहसील बख्शी तालाब के अंतर्गत जो क्षेत्राधिकारी कार्यालय नहीं है उस कार्यालय को जल्द से जल्द कार्यालय का दर्जा दिया जाए, और क्षेत्राधिकारी महोदय जो बीकेटी है वो अपने ऑफिस में बैठे, जिससे क्षेत्र की जनता का उनके द्वारा जो लोगों की ज़रूरतें हैं जो लोगों की सहूलियतें हैं उन सहूलियतों को SDM साहब के द्वारा और क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा जनता की समस्याओं का निदान कर सके। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह मांग करता है कि पुनः जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शासन प्रशासन में बैठे सीनियर अधिकारियों से भी मांग करते हैं कि तहसील बख्शी तालाब के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी बख्शी तालाब के नाम से जो कार्यालय है वो सीओ ऑफिस बने, और सीओ साहब के रहने के लिए वहां पर आवाज भी रहे जो कि क्षेत्र की समस्याओं
और शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए पुलिस विभाग का बहुत बड़ा एक सहयोग होता है, अमन चैन बनाने के लिए और क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे, इसलिए पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता है कि बख्शी तालाब तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जो सीओ ऑफिस अब तक पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा की गई घोषणाओं के हिसाब से नहीं बन पाया है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी से निवेदन है और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्राधिकारी बख्शी तालाब के कार्यालय का निर्माण किया जाए, जिससे कार्यालय पर आने जाने वाले क्षेत्र की जनता का जो सैकड़ों रुपया बेफजूल खर्ची होती है वो बचा सके, और जब सीओ क्षेत्राधिकारी कार्यालय बन जाएगा तो फिर क्षेत्र की जनता की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।